हेलो दोस्तों, मैं राणा रंजीत कुमार आपको आज बिहार लोक सेवा आयोग की 63वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टिप्स देने जा रहा हूं। राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार लोक सेवा आयोग की 63वीं परीक्षा 1 जुलाई 2018 को आयोजित होगी, जो आप लोगों को भी पता होगा, वेबसाइट पर भी आ गया है बीपीएससी के। और 355 टोटल सीट हैं, जिसमें 10 गुना रिजल्ट देगा, लगभग 3550 होते हैं, तो मान लिया जाए कि 3600-3700 रिजल्ट टोटल आएंगे। और उसमें भी महिला आरक्षण है और महिलाओं को संभव ज़्यादा 40% लगभग महिलाएं आएंगी, तो खासकर पुरुष के लिए तो कट ऑफ वैसे भी ऊंचा जाएगा पुरुष अभ्यर्थी के लिए। तो आपको मैं विषयवार सूची बताने जा रहा हूँ कि कितने प्रश्न आएंगे। इससे आप लोग को आसानी हो जाएगी, क्योंकि 1.5 महीने अभी समय है। विज्ञान में है आपको 25 से 30 प्रश्न आते हैं, और आपको अभी तो वर्तमान में सेट प्रैक्टिस या जो शॉर्ट तरीके हों ये अपनाना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग अभी पढ़ नहीं सकते कम समय में। और गणित में 10 प्रश्न होते हैं, जिसमें लगभग 7 से 8 इंटर लेवल के रहते हैं, मैट्रिक लेवल के 2-3 रहते हैं। तो जो इंटर के अभ्यर्थी या एडवांस मैथ अच्छे बनाते हैं उनके संभावना ज़्यादा रहते हैं इसमें 10 में अच्छे प्रश्न, और जो जनरल मैथ कमज़ोर उन्हें 3-4 मार्क्स या 5 मार्क्स मैक्सिमम आते हैं। समसामयिक में 20 से 30 प्रश्न रहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लड़के चाहे कितनी भी तैयारी हो, अगर ये नहीं पढ़ते उनका रिजल्ट होना बहुत मुश्किल है। तो 20 से 30 प्रश्न है, जो कि उसके लिए आप जून 2017 से अप्रैल 2018 का करेंट अफेयर्स देख लें, तो इसमें छूटना मुश्किल हो जाए। और जितनी अच्छी तरीके से आप देखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। अगले बार 25 क्वेश्चन थे, तो इस बार भी उम्मीद है 20 से 25 क्वेश्चन रहने की। विज्ञान में आपको 30 से 35 प्रश्न रहते हैं, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी इतिहास के बाद जनरली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन विज्ञान से रहते हैं। तो विज्ञान में भी आपको प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस या जिससे भी है उससे अच्छी तैयारी होगी। भूगोल में 15 से 20 प्रश्न रहते हैं। इतिहास में 30 से 35 प्रश्न या 40 प्रश्न तक रहते हैं। इसमें मुख्यतः आधुनिक इतिहास रहता है, और मध्यकालीन 2-3 रहते हैं, और प्राचीन 1-2 रहेंगे। मतलब मध्यकालीन और प्राचीन का इतना वैल्यू इसमें नहीं रहता है, आधुनिक इतिहास और बिहार का इतिहास के संदर्भ में ही क्वेश्चन रहता है। विविध में भी बिहार के अलावा कुछ क्वेश्चन रहते हैं, और ये 15 से 20 प्रश्न रहते हैं। नागरिक में 10 से 15 प्रश्न, जो अभ्यर्थी लक्ष्मीकांत की किताब से तैयारी करते हैं या अन्य किताब से जिनकी थोड़ी अच्छी है वो अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये टोटल 150 प्रश्न आते हैं, और एक एक नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो 150 अंक के होते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको मैं अगले साल की कट ऑफ 60वीं से 62वीं की बताता हूँ। जनरल की थी 93, और